जमातियों पर विवादित बयान देने वाली पूजा शगुन पांडे को आज अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क में इनकी गिरफ्तारी हुई। 4 अप्रैल को थाना गांधी पार्क क्षेत्र में अशोक पांडे व श्रीमती पूजा शगुन पांडे, जो राष्ट्रीय सचिव हैं अखिल भारत हिंदू महासभा की, इन्होंने एक विवादित व अमर्यादित टिप्पणी की थी तबलीगी जमात को संदर्भ में लेकर एक विशेष समुदाय पर, जिसके संदर्भ में थाना गांधी पार्क पर धारा 153A व धारा 505 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी करके इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूर्व विधायक जमीरुल्ला हाजी जमीरुल्ला ने मुकदमा दर्ज कराया था। निजामुद्दीन मरकज में हुई तबलीगी जमात में शामिल लोगों पर विवादित बयान देने वाली पूजा शगुन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलीगढ़ के गांधी पार्क इलाके में लॉकडाउन के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्र सचिव पूजा शगुन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हाजी जमीरुल्ला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पूजा शगुन पांडे ने विवादित बयान दिया था। पूजा शगुन पांडे ने बयान में कहा था कि निजामुद्दीन मरकज से निकलकर देश में अलग अलग राज्यों में गए तबलीगी जमाती के लोगों ने महामारी को देश में फैलाने का काम किया है, इसको देखते हुए इनको गोली मारने के आदेश दिए जाने चाहिए। तो इसी विवादित बयान के चलते आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। आज अलीगढ़ पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूजा शगुन पांडे के साथ उनके पति को भी गिरफ्तार किया गया है। जमातियों पर विवादित बयान देने वाली पूजा शगुन पांडे गिरफ्तार हो चुकी हैं। अलीगढ़ पुलिस ने पति अशोक कुमार को भी साथ में गिरफ्तार किया है। तबलीगी जमात के लोगों को गोली मार देने का विवादित बयान उन्होंने दिया था। इसके खिलाफ जमीरुल्ला ने उनकी शिकायत की थी और आज कार्रवाई करते हुए अलीगढ़ पुलिस ने पूजा शगुन पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से।